जब वॉरेन बफेट 10 साल के थे तो वो ओमाहा में घोड़ों की रेस ट्रैक में जाया करते थे जिसका नाम था अक्षारबन। वो वहाँ पर तब जाते थे जब रेस खत्म हो गई होती थी और वहाँ पर लोगों की सारी फेंकी हुई टिकट्स को वो उठा लेते, ये सोचकर कि कोई न कोई ऐसा इंसान तो होगा ही जिसने विनिंग टिकट्स को ही फेंक दिया होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोग एंजॉय करने के लिए भी आते थे। वो टिकट्स लेते हैं, ड्रिंक हो जाते हैं और नशा में टिकट्स फेंक देते, और वॉरेन बफेट हजारों टिकट्स को इकट्ठा करके एक एक करके चेक करते कि क्या ईमान से कोई जीता हुआ टिकट्स है या नहीं। और उन्हें हर बार बहुत सी ऐसी टिकट्स मिलती। उन्हें पता था कि एक 10 साल के बच्चे को कोई विनिंग टिकट्स के पैसे नहीं देगा, इसलिए वो जीती हुई टिकट्स को अपनी आंटी को दे देते और उसी काउंटर में जाके कैश करवा देते हैं। ये पेशेंस और रीडिंग की हैबिट हमेशा रही। जब वो 20 साल के हुए तो उन्होंने इन्वेस्टिंग करियर स्टार्ट किया बफेट पार्टनरशिप के नाम से। तो वो पूरे दिन मूडीज मैनुअल को पढ़ते रहते थे, जहां नहीं पता था कि मूडीज मैनुअल क्या होता है। तो आजकल के हमारे पास वेबसाइट है जिनमें कंपनीज के इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया गया है और हम जैसे चाहे वैसे उसे यूज स्क्रीन कर सकते हैं सेकंड में। लेकिन पहला जब टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी तब एक बुक आती थी जैसे मूडीज मैनुअल कहा जाता था, जिसमें बहुत ही छोटी छोटी लेटर में कंपनी के बेसिक फाइनेंशियल दिए होते थे। आई मीन एक ही पेज में 5 से 6 कंपनीज के फाइनेंशियल, और वॉरेन बफेट पूरे दिन उन्हें पढ़ते थे। और आज भी वॉरेन बफेट बुक से लेकर कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स बस पढ़ते रहते हैं, और उनका मानना है कि सबसे बड़ी कंपाउंडिंग नॉलेज होती है जो बहुत से लोग समझ नहीं पाते। Read 5 to 6 hours. इन्वेस्टिंग का यही था लर्न अ लॉट रीड अ लॉट। इन्वेस्टिंग का सेकेंड रूल आता है नाउ व्हाट यू ऑन पीटर लेंची अपनी बुक बैटिंग द स्ट्रीट में बताते हैं कि सेंट एग्नेस नाम के स्कूल के 7th क्लास के बच्चों ने एक 14 कंपनीज का पोर्टफोलियो तैयार किया था, जिसका 2 साल का रिटर्न 70% जबकि अमेरिका के इंडेक्स फंड SSP का गेम 26% था, इंडेक्स फंड को बीट कर दिया। एक्चुअली ये सब शुरू हुआ था क्लास टीचर और CEO जॉन मॉरिसी डिस्कशन के बाद। ये दोनों एक थ्योरी प्रूव करना चाहते थे कि किसी को MBA नहीं चाहिए, ना ही इवन ड्राइविंग लाइसेंस या एक्सेल में स्किल्स चाहिए अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और ये थ्योरी प्रूफ भी होगी। तो सवाल ये था कि बच्चे ने स्टॉक्स चूज कैसे किए, इनके टीचर्स ने ऐसा क्या सिखाया। हाँ, तो पहली चीज जो बच्चों को सिखाई गई थी वो ये थी कि कभी भी ऐसा कंपनीज में इन्वेस्ट मत करना जैसे तुम समझ ना पाओ कि कंपनी क्या करती है। और जब भी बच्चे किसी कंपनीज को चूज करते हैं तो सबसे पहले उनसे ये पूछा जाता है, ये बताओ कि कंपनीज बनाती क्या है, क्या प्रोडक्ट्स के सर्विस ऑफर करती है, और अगर वो ये चीज नहीं बता पाते हैं तो वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज जो इन बच्चों को सिखाई गई थी कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो छोटी कंपनीज में हम ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ग्रोथ की। अब देखो होता ये है कि अभी रिलायंस के मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 16.6 लाख करोड़ रुपए, तो अगर हम रिलायंस के शेयर्स खरीदते हैं तो हमारे पैसे 10 times अभी होंगे। अगर ये मार्केट कैप 10 गुना हो जाएगी यानी 16.6 लाख करोड़ से 166 लाख करोड़ जैसे अचीव करने के लिए रिलायंस को नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ेंगे या कुछ मेजर चेंज लाने पड़ेंगे, क्योंकि जिन भी मार्केट में ऑलरेडी है वहाँ पर तो वैसे भी ये मेजर प्लेयर है, इसलिए इसमें हमारे पैसों का ज्यादा ग्रो होना मुश्किल है। और यही रीजन है बहुत से इन्वेस्टर मानते हैं कि छोटी कंपनी जल्दी ग्रो करती है। इतने बड़े मार्केट में अभी भी नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं जो 200-400 करोड़ की लिस्टिंग से चालू होते हैं, और वहां से 10-20 हजार को बहुत जल्दी आते हैं। मार्केट में अभी इतने बड़े नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं जो 200-400 करोड़ की लिस्टिंग, और वहाँ से 10 से 20 हजार बहुत जल्दी हो जाते हैं। ग्रेट इन्वेस्टर मनीष पबराई भी इस चीज को बहुत बार मेंशन कर चुके हैं कि होता ये है कि बड़ा इन्वेस्टर छोटी कंपनीज में पैसे लगाएगा तो उतना फायदा नहीं होगा, अगर मैक्सिमम वो 50 लाख ही लगा पाता है और कंपनी 10 गुना हो जाती है तो उसका पैसा 5 करोड़ ही होगा जो उसके लिए उतना फायदेमंद नहीं है। इसलिए जैसे जैसे इन्वेस्टर बड़े होने लगते हैं वो बहुत छोटी कंपनीज छोड़ के बड़ी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा सके। अब इसे होता यह है कि हम जैसे छोटे इन्वेस्टर को इन छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। The bottom continuously gets emptied out, right? So the people who were really good at finding the investments, less than 10,000 to put to work, less than 100,000 to put to work, if they're really good, they move up.
नेक्स्ट रूल कहता है होल्ड ऑन मोर स्टॉक दैट यू कैन रिमेन इन्फॉर्मेशन ऑन। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि हम माइंड मैक्सिमम 8 से 15 कंपनीज को फॉलो कर सकते हैं, उनके बारे में इन्फॉर्म रह सकता है, और इसलिए बेटर यही है कि हम पूरे जिंदगी में 10 से ज्यादा स्टॉक्स ना ही ले तो बेटर है, लेकिन वो 10 के 10 स्टॉक्स ऐसे होने चाहिए कि बस हमें ऐसा फील हो कि हम एक्चुअली में उस कंपनी के मालिक से मिले हैं और उसके साथ 100 पेज किए एग्रीमेंट को साइन करके हमें उसके साथ डील की है और फिर उन्हें पैसे देके उस कंपनी के शेयर्स खरीदे। इन शॉर्ट वॉरेन बफेट का भी यही मानना है कि अगर हमें 3 सुपर बिजनेस मिल जाए जो बहुत अच्छा कर रहे हैं तो एक एवरेज आदमी को इससे ज्यादा नहीं चाहिए लाइफ में अच्छा करने के लिए। Adding to it, but 3 wonderful businesses is more than it's more than you need in this life to do very well. Next rule of invest कहता है कि if you like the product chances are you will love the stock. Peter Lynch कहते हैं मेरी फैमिली में 3 लड़कियां गैप के कपड़े पहनती थी, लेकिन इन्वेस्टर होने के बावजूद मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूं, और इस कंपनी का प्राइस एक साल में 13 गुना हो गया था, लेकिन अगली बार वो केयरफुली थी, वो अपनी तीनों डॉटर को मॉल में लेकर गए और उन्होंने देखा कि कौन सा प्रोडक्ट लेना चाह रही है, लेकिन इस बार वो गैप शोरूम में नहीं गई थी, वो बॉडी शॉप नाम की एक में गई। वहाँ पीटर लेंची ने देखा कि बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो बॉडी सॉप इन लोशन क्रीम वगैरह ले रही है और दुकान एकदम लोगों से पैक थी। अगले ही दिन ऑफिस पहुँचते ही पीटर लेंची ने बॉडी सॉप की एनुअल रिपोर्ट्स बनवाया और उसकी फंडामेंटल एनालाइज के बाद उन्हें पता चल गया था कि ये कंपनी बहुत एग्रेसिवली पूरी दुनिया में अपने शोरूम खोल रही है और शोरूम प्रॉफिटेबल, इसलिए उन्होंने ये स्टॉक्स अपनी मैनेजमेंट को रिकमेंड कर दिया और उसका प्राइस मल्टीपल टाइम्स बढ़ा दिया। इंडिया में भी सेम कैसे, अगर हम रॉयल एनफील्ड के बाइक जो बुलेट के नाम से बहुत फेमस है उसका स्टॉक्स प्राइस 1.22 से बढ़कर 2,525 पहुंच गया है, यानी हर 1,20,000 करोड़ में कन्वर्ट हो चुका है। ब्रिटेनिया इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करें तो 58.23 से शुरू हुआ ये स्टॉक 3,580 पहुंच चुका है ये, यानी इसमें अगर IPO के टाइम्स में हमें पैसा इन्वेस्ट कर दिए होते तो वो 1,00,000 रुपए बढ़कर 62,00,000 आसपास हो गए होते। तो इन शॉर्ट मैसेज ये है, जो प्रोडक्ट हमें अच्छे लगते हैं अगर वो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है और अगर वो कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है तो इस मेथड से हम उसे कर सकते हैं स्क्रीनिंग के लिए। नेक्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टिंग कहता है ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। पीटर लेंची कहते हैं कि जो एक्सपर्ट्स उन्हें कुछ नहीं बता पाते कि मार्केट कब बढ़ने वाली है या कब घटने वाली है, लेकिन उनकी जॉब भी ये है कि उन्हें प्रिटेंड करना पता है, इसलिए फ्री एडवाइस देने लगते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट टाइम क्या होने वाला है। जो बेस्ट इन्वेस्टर होते हैं उनका मेन फोकस होता है कि वो अच्छे बिजनेस खरीदे जिनके प्रोडक्ट्स एक्चुअली पब्लिक को चाहिए भी होंगे, क्योंकि अगर बिजनेस एक्चुअली ग्रो कर रहे होंगे तो लॉन्ग रन में उसका शेयर प्राइस भी एक्चुअली बिजनेस ग्रोथ रेट से ही ग्रो करेगा, इसलिए बेटर है कि हम बिजनेस पर फोकस करेंगे ना ही मार्केट के टाइम के चक्कर में। दिन क्या टाइमिंग में पूरे सबका सबका टाइम लगा हुआ है। एग्जैक्टली टाइमिंग करने में मतलब सबसे बड़ा कर्ज और सबसे बड़ा श्राप और सबसे बड़ा मतलब एक चैलेंज जो है इन्वेस्टर के लिए आज वो है कि बाजार में क्या होने वाला है, कब जाएं, कब खरीदें, उसमें मतलब पूरी एनर्जी खत्म हो गई। मतलब मैं अब क्या बताऊंगी, मतलब 99% ऑफ जनता बाजार में इसके लिए नहीं है कि उन्होंने टाइम नहीं कर पाए बराबर। नेक्स्ट रूल कहता है फ्री कैश फ्लो इज द किंग। ये पॉइंट्स कहता है अर्निंग अगर कंपनी को सिर्फ प्रॉफिट ही बढ़ जा रही है लेकिन इसका कैश फ्लो नहीं बढ़ रहा है तो हो सकता है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ हो। देखिए अर्निंग्स का मतलब है प्रॉफिट, लेकिन इस प्रॉफिट का क्या होगा ये भी मैटर करता है। एक्चुअली जब कंपनीज अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिश करती है तो उसमें अगर किसी ने अभी तक कंपनी को पैसे देने भी है, यानी कंपनी ने किसी को सामान उधार दे दिया है और वो पैसा अभी तक हमें मिलना बाकी है, उसे भी वो प्रॉफिट्स में इंक्लूड कर देते हैं और ये हमें कंपनी को एनालाइज करने में कंफ्यूज कर सकता है। इसलिए वॉरेन बफेट का फेवरेट इंडिकेटर है फ्री कैश फ्री फ्लो। समझ के लिए पहले कैश फ्लो को समझते हैं। कैश फ्लो वो पैसा है जो एक्चुअली में कंपनी के पास है। लेट्स से हम रिलायंस कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि रिलायंस के पास मार्च 2018 में 1,266 करोड़ का रुपए का कैश था, मार्च 2019 में 3,745 करोड़ था, लेकिन मार्च 2021 में -13,523 करोड़। और अगर हम प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में रिलायंस के मार्च 2021 के अर्निंग देखें तो वो 49,128 करोड़ है पॉजिटिव में, लेकिन कैश फ्लो 13,523 करोड़ था। अगर हमें पूरी स्टोरी जाननी है उसके साथ क्या हो रहा है तो हमें रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि हम कौन सा पैसा कहां खर्च हुआ है, कौन सा अभी आना बाकी है एक्सेट्रा। और ये जो कैश फ्लो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी ऑपरेशन जो कैश रिलायंस के पास आया
है जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा कैश कंपनी के पास आ सकता है। इन्वेस्टिंग यानी अगर उन्होंने दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है एक्सेट्रा, और फाइनली जो कैश उसके पास आ सकते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से, यानी अगर उन्होंने लोन वगैरह लिया है एक्सेट्रा, तो और एक्चुअली में जो फी कैश फ्लो है जिसे हम किंग बोलते हैं वो होता है ऑपरेशन वाला कैश फ्लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी मान लो आपका बिजनेस हर साल 1 करोड़ प्रॉफिट करता है, लेकिन आपके बिजनेस का नेचर कुछ ऐसा है कि अगले साल बिजनेस करने के लिए आपको मशीन लगानी पड़ेगी जो 99 लाख रुपए की होगी, तो फिर ऐसे एक प्रॉफिट का क्या करना, क्योंकि 99 लाख तो आपको मशीन में खर्च करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से एक्चुअली प्रॉफिट तो एक तरह का 1 लाख रुपए ही हुआ। और इसमें ही फ्री कैश फ्लो बोलते हैं, इसलिए कंपनी के फ्री कैश फ्लो पर हमेशा नजर बनाकर रखिए। एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इन्वेस्टिंग कौन से 7 रूल सिखाए थे। नंबर 1, लर्न अ लॉट रीड अ लॉट, यानी द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। हम सब पैसों की कंपाउंडिंग तो जानते हैं, लेकिन नॉलेज की कंपाउंडिंग के लिए हम बहुत ही कम सोचते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। रूल नंबर 2 था इन्वेस्टिंग अ साउंड रूल, नो व्हाट यू ऑन। इसमें 7th क्लास के बच्चों की स्टोरी दिखाई थी कि अगर हम बहुत ही सिंपल वर्ड में ये बात नहीं बता सकते कि कंपनी कौन सी प्रोडक्ट बना रही और आगे कैसे अपनी अर्निंग बढ़ाएगी, तो बेटर है ऐसे बिजनेस से हम दूर ही रहे। रूल नंबर 3 था ओवर द लॉन्ग टर्म इट्स बेटर टू बाय स्टॉक इन स्मॉल कंपनीज, यानी छोटी कंपनीज परसेंटेज वैसे ज्यादा ग्रो हो सकती है एज कम्पेयर टू ऑलरेडी जो कंपनी बिग है। अब ऐसा हमेशा तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केस में ऐसा ही देखा गया है। रूल नंबर 4 था होल्ड ऑन मोर स्टॉक दैट यू कैन रिमेन इनफॉर्म ऑन, यानी उतनी स्टॉक लो जिनकी स्टोरीज पर हम नजर रख पाए। वॉरेन बफेट तो कहते हैं कि अगर लाइफ में 3 अच्छा कंपनीज मिल जाए तो वो ही हमारी लाइफ को बहुत बहुत इम्प्रूव कर सकती है। रूल नंबर 5 था कि इफ यू लाइक द प्रोडक्ट चांसेस आर दैट यू विल लाइक दिस स्टॉक, अगर प्रोडक्ट्स बहुत से लोगों को पसंद आ रहा है तो ये एक अच्छा स्क्रीन टेस्ट है, जिसके बाद हम कंपनी रिसर्च करके उसके बारे में और पता कर सकते हैं और हो सकता है कि हमें अच्छी कंपनीज भी मिल जाए। रूल नंबर 6 था कि ट्राई टू टाइम द मार्केट, यानी मार्केट में कब एंटीरिया एग्जिट करना है, इससे बेटर है कि हम अच्छे बिजनेस और जो एक्चुअल में ग्रो कर सके, क्योंकि लंबे टाइम में शेयर की ग्रोथ और बिजनेस के ग्रोथ ऑलमोस्ट सेम होगी। और फाइनली रूल नंबर 7 में हमने सीखे थे कि फ्री कैश फ्लो इज द किंग, यानी अर्निंग पर है विश्वास ना करे, फ्री कैश फ्लो एक परफेक्ट इंडिकेटर है कंपनी के बारे में बताने का, और अगर कैश फ्लो नेगेटिव है तो ये मतलब है कि कंपनी खराब है। इसका ट्रू रीजन जानने के लिए कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स खोली उनकी। अर्निंग और अच्छे कंपनीज भी इतने आसानी से नहीं मिलते हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी।